हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डाउटेड की क्लास में। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग, आई होप एकदम बढ़िया होंगे और घर में एकदम अच्छे तरीके से रह करके डाउटेड की क्लासेस को आप डेली देख रहे होंगे। तो बच्चों टर्म टू की तैयारी हमने शुरू कर दी है, वो भी पूरी जोरदार तरीके से। जी हाँ बच्चों, और आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आपके क्वाड्रिलेटरल को। जी हाँ, क्वाड्रिलेटरल क्लास नाइन्थ के टर्म टू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। और सबसे ज्यादा जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है वो है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। और इसको अगर ये प्रॉपर्टीज आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गई ना, तो ये मान के चलिए चैप्टर आपको इतना सिंपल हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा कि कहीं पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो भाई जल्दी से सारे बच्चे क्लास को जुड़ जाइएगा, और जो भी बच्चे क्लास में आ रहे हैं प्लीज क्लास को लाइक जरूर से करते जाइएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमको मिलता है मोटिवेशन। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको कंटिन्यू मिलती रहे, उनकी नोटिफिकेशन आती रहे, तो इस चैनल को डाउटेड के सीबीएसई 910 वाले चैनल को अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। तो बच्चों सबसे पहले चैप्टर प्रोग्रेस देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक इस चैप्टर में हमें पढ़ना होता है। यहां पर बच्चों आपको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो कि आपको ऑलरेडी मालूम है, प्रीवियस क्लासेस में आपने ऑलरेडी पढ़ी है। देन बच्चों टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल होते हैं भाई, उन सभी के टाइप्स के बारे में देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम होता है बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वाड्रिलेटरल है, जिसकी प्रॉपर्टीज और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो कुछ भी आपने जैसे कि लाइंस एंड एंगल्स पढ़ा है, ट्रायंगल्स पढ़ा है, वहां के जैसे कि लाइंस एंड एंगल्स में आपके पास जो टू पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल, उन पर बेस्ड सारे के सारे थ्योरम्स यहां पर अप्लाई होती हैं। ट्रायंगल चैप्टर में आपने जो कॉन्ग्रुएंस रूल पढ़ा है, ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया पढ़े हैं, वो सब यहां पर अप्लाई होते हैं। तो अगर आपने लाइंस एंड एंगल्स और ट्रायंगल्स की दोनों चैप्टर को बढ़िया तरीके से टर्म वन में कंप्लीट किया था, तो ये चैप्टर टर्म टू का आपको बहुत आसान लगेगा बच्चों, ये गारंटी है। ओके, उसके बाद यहां पर द मिड पॉइंट थ्योरम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम भी बच्चों यहां पर हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो पूरे के पूरे टॉपिक कवर होंगे। तो सारे बच्चे रेडी हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो जल्दी से एक बार क्लास को लाइक जरूर से कर देना, वेरी गुड। तो आज के इस लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पास ये तीन टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, और मिड पॉइंट थ्योरम आपका नेक्स्ट टॉपिक में मैं कवर करूंगा। ठीक है, चलिए भाई। तो सबसे पहले बच्चों अगर मैं बात करूं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। ठीक है बच्चों, क्वाड्रिलेटरल अगर आपके पास कोई भी गिवन है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब है कि उस क्वाड्रिलेटरल के जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं, उन सभी इंटीरियर एंगल का सम। तो बच्चों सबको मालूम है, हम सभी को मालूम है कि एक क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम बच्चों क्या होता है, इंटीरियर एंगल का सम क्वाड्रिलेटरल का 360 डिग्री के इक्वल होता है। क्या होता है बच्चों, 360 डिग्री के इक्वल होता है। कल को कोई आपसे पूछ ले कि भाई आप कैसे बोल सकते हो कि क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम 360 होता है, तो आप उनको बोल देना कि काम करो क्वाड्रिलेटरल के दो अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन कर दो, कोई भी दो अपोजिट वर्टिसेस। लाइक सपोज करो मैंने ए को सी से ज्वाइन कर दिया, तो ऐसा कर देने से दो ट्राइंगल बन गए, तो एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180, दूसरे ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180, 180 प्लस 180 कितना हो गया, 360 हो गया। तो डायरेक्टली आप समझा भी सकते हो कि भाई क्यों किसी क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है ना। बेसिकली इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट होना बनता ही नहीं है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। क्लियर है बच्चों, बहुत ही बढ़िया। तो भाई इंटीरियर एंगल का सम क्या है बच्चों, 360 डिग्री के इक्वल होता है। समझ में आ गया, क्लियर है, बढ़िया। अब बच्चों बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल और उसके कुछ टाइप्स पर। टाइप्स का मतलब यहां पर ऐसे हम बोलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिनके नाम और उनके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बेसिकली मालूम होना चाहिए, जिसमें सबसे पहला नाम आपका आता है ट्रेपेजियम का। किसका आता है बच्चों, ट्रेपेजियम का। ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है कि अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। एक ट्रेपेजियम की एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऐसी होती हैं जो पैरेलल होती हैं, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो कि ये वाली साइड इसके कंप्लीटली पैरेलल होती है। तो बच्चों अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है उसके पास एक अ पेयर ऑफ साइड्स ऐसी हैं जो कि पैरेलल है, क्या है बच्चों, पैरेलल है, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम बोलते हैं। तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। ठीक है बच्चों, पैरेलल साइड, अपोजिट साइड का एक पेयर क्या होगा, पैरेलल होगा।
अगेन बच्चों नेक्स्ट पार्ट पर मूव करते हैं, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बच्चों क्या होता है? पैरेललोग्राम की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटर होता है कि जो भी अपोजिट साइड के पेयर है बच्चों, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है बच्चों, तो जब पैरेललोग्राम की बात करेंगे तो यहां पर हम ये देखेंगे कि इसके दोनों अपोजिट साइड के जो भी पेयर है, दो पेयर मिलेंगे। आप देख सकते हैं ना, यहां भी दो पेयर है, एक पेयर तो ये है, दूसरा पेयर ये है। तो अ पेयर ऑफ, केवल एक पेयर, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। यहां पर क्या होता है बच्चों, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं कि अपोजिट साइड के जो पेयर होते हैं ना पैरेललोग्राम में, वो आपके इक्वल भी होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? इक्वल भी होते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं रेक्टेंगल की, बात करते हैं तो रेक्टेंगल भी अगर बोले बच्चों तो एक किस्म का या एक टाइप का पैरेललोग्राम ही होता है। रेक्टेंगल भी आपका एक टाइप का पैरेललोग्राम ही होता है बच्चों। रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज होती है कि अपोजिट साइड्स इसकी पैरेलल होती हैं, उसके अलावा अपोजिट साइड्स इसकी इक्वल भी होती हैं, और जितने भी इंटीरियर एंगल्स होते हैं, चार इंटीरियर एंगल है, और चारों के चारों इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, वो भी 90 डिग्री के। तो बच्चों ये हमारे पास रेक्टेंगल होता है, सभी को मालूम है ना? आई थिंक इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, बचपन की क्लासेस में पढ़ के आ रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है भाई, अपोजिट साइड्स, मतलब कि ऑल दी फोर साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, साथ ही साथ सभी इंटीरियर एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, बेसिक नेमिंग है। ये वो क्वाड्रिलेटरल्स हैं जो कि इतने इंपॉर्टेंट है कि जगह जगह पर हमें यूज में आते हैं, तो इनकी कुछ कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हमें अच्छे से लर्न होना जरूरी है। देन बच्चों रोम्बस की अगर हम बात करें तो रोम्बस भी क्या है, ये भी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है बच्चों, बस क्या होता है रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसकी भी ऑल दी फोर साइड्स आर इक्वल। रोम्बस की भी क्या होती है, सभी साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स इसकी पैरेलल होती हैं। और सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट रोम्बस का क्या होता है कि रोम्बस के जो डायगनल्स होते हैं ना बच्चों, है ना, रोम्बस के जो डायगनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, वो भी परपेंडिकुलरली। तो ये बेसिकली हमारे पास रोम्बस होता है। ठीक है बच्चों, एक स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, समझिएगा। स्क्वायर की सभी फोर साइड्स इक्वल भी हैं, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हैं। ठीक है बच्चों, बस ये डिफरेंस है कि स्क्वायर के इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन रोम्बस में ऐसा नहीं है। रोम्बस के अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, ऑल दी फोर साइड्स इक्वल हैं। ठीक है बच्चों, अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, फोर साइड्स इक्वल हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी इंटीरियर एंगल्स इसके 90 डिग्री हो। तो ये बस आपका क्वाड्रिलेटरल और रोम्बस में डिफरेंस होता है। उसके बारे में बच्चों काइट, आप सभी ने काइट तो उड़ाई है कि नहीं उड़ाई है? भाई मैंने तो बहुत उड़ाई है, तो मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूं। काइट बच्चों एक इस टाइप का, इस शेप का एक पैरेललोग्राम है, जिसमें अगर हम बात करें टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। जैसे कि ये वाली जो साइड होती है बच्चों, वो इस साइड के इक्वल है। एडजेसेंट क्या होता है, ये इससे जुड़ी हुई है। ठीक है बच्चों, और ये दोनों एडजेसेंट साइड एक दूसरे के इक्वल, तो ये वाली साइड बच्चों इसके इक्वल होती है। तो हम क्या बोलते हैं काइट के बारे में कि टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। आपके पास एडजेसेंट साइड्स के ऐसे दो पेयर मिलेंगे जो कि क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। तो ये वाली साइड इसके इक्वल, दिस पार्ट जो बड़ी वाला पार्ट है वो बड़े वाले पार्ट के इक्वल। ठीक है बच्चों, ये कुछ स्पेशल टाइप्स के आपके पास क्वाड्रिलेटरल थे जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, और इन पर बेस्ड आपको क्वेश्चन कई आसपास में देखने को मिलते रहते हैं। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया? तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के लिए एक बार जल्दी से लाइक ठोक देना। क्लियर है बच्चों, लाइक जरूर से करते जाइएगा, बिना लाइक करे आपको भाई क्लास तो पूरी देखनी है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है, ये याद रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं आपका किस पर, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम पर। तो सबसे पहले हमारे पास एक पैरेललोग्राम आ गया। अगर हम बात करें, देखिए इन सभी प्रॉपर्टीज के प्रूफ भी होते हैं, लेकिन इस लेक्चर में आपको प्रूफ देखने को नहीं मिलेंगे। यहां पर मैं आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्रॉपर्टीज बढ़िया तरीके से लर्न होना जरूरी है। तो बच्चों पैरेललोग्राम की सबसे पहली बात, डेफिनेशन आपको मालूम है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है बच्चों, तो एक तो ये आपके पास पैरेललोग्राम की डेफिनेशन है। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर वन क्या होती है पैरेललोग्राम की, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सपोज करिए बच्चों हमारे पास पैरेललोग्राम है ए बी सी एंड डी, तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब कि बच्चों जो ये वाला एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगर मैं बात करूं
कि ये वाला जो बच्चों एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसके बाद बच्चों अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स की अगर हम बात करें बच्चों तो ये वाली जो साइड होगी वो इस साइड के इक्वल होगी, और इसके अपोजिट बच्चों बात करें तो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चों। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल्स होते हैं बच्चों, अगर मैं बात करूं इनके डायगोनल्स को अगर हम ज्वाइन करें बच्चों तो ध्यान से समझिएगा, ए को आपने सी से ज्वाइन कर दिया, ठीक है बच्चों, उसके बाद आपने क्या कर दिया, बी को आपने डी से ज्वाइन कर दिया, तो ये एक दूसरे को पॉइंट ओ पर मान लो इंटरसेक्ट करते हैं। तो समझिएगा बच्चों, जो हमारा एओ होता है वो ओसी के बराबर होगा, और जो आपका ओडी है बच्चों वो ओबी के बराबर होगा। तो जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या करते हैं बच्चों, बाइसेक्ट करते हैं। किसको बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो तीन प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की आपको अच्छे तरीके से अपने माइंड में रख लेना है कि भाई अगर पैरेललोग्राम है तो उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, और डायगोनल्स जो होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, डायगोनल्स जो होंगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। पॉइंट सभी नोट करते चलना है क्योंकि यही सारी चीजें क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम पर अप्लाई होती हैं। क्लियर है बच्चों, कोई भी डाउट है तो मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। चलो नोट कर लो बच्चों, ये हमारे पास आपके पास हो गई प्रॉपर्टी, ये तीन प्रॉपर्टीज है, ठीक है बच्चों, ये तीन प्रॉपर्टीज है। ये क्या बताती है कि अगर पैरेललोग्राम है तो ये तीन प्रॉपर्टी फॉलो होंगी, लेकिन अगर मैं इसके अपोजिट बोलूं कि आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, हमें नहीं मालूम कि वो पैरेललोग्राम है या नहीं, अब उस क्वाड्रिलेटरल की कुछ प्रॉपर्टीज आपको दे देता है, तो प्रॉपर्टीज के बेस पर कैसे बोलोगे कि पैरेललोग्राम है। तो इसको हम कन्वर्स फॉर्म पर अगर बच्चों बात करें तो कन्वर्स फॉर्म पर पैरेललोग्राम को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि भाई अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, एक क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, इट्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स आपको इक्वल मिल गए, अपोजिट एंगल्स उसके इक्वल मिल गए, तो तुरंत समझ जाइएगा वो क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा, पैरेललोग्राम होगा। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स आपको इक्वल मिल जाए, अपोजिट साइड्स उसकी इक्वल मिल जाए, तो समझ जाइएगा वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। इफ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, अगर पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, वो क्वाड्रिलेटरल आपके पास एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको मैं रेड ब्रैकेट के अंदर लिख करके बताऊंगा। This is the one of the most useful property जिसका बहुत ज्यादा यूज होता है बच्चों जब हम क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करना चाहते हैं। A pair of opposite sides, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की a pair of opposite sides का एक पेयर अगर इक्वल भी और पैरेलल भी है, पैरेलल भी गिवन है और इक्वल भी गिवन है, यानी कि a pair of opposite sides are parallel and equal, तो उस क्वाड्रिलेटरल को भी हम क्या बोलते हैं बेटा, पैरेललोग्राम बोलते हैं। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल प्रॉपर्टी, हालांकि यूज तो सारी है, यूजफुल तो सारी होती है, लेकिन क्वेश्चन में अगर मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते टाइम पर यह प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा जगहों पर यूज में आती है। क्लियर हो गया बच्चों, तो ये है हमारे पास पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज, और कैसे हम क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बोलेंगे उसके लिए हमें इन चीजों पर ध्यान देना होता है। यहां तक क्लियर है, कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। सिंपल है लेकिन थोड़ा सा आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, वेरी गुड बच्चों। अब हम आगे पर मूव करते हैं, तो क्यों ना एक क्विज कर ली जाए, उसके बाद आगे की चीजों को समझते हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों एक क्विज के साथ में, सारे बच्चे रेडी हैं, वेरी गुड बच्चों। तो एक क्विज लेकर के आ रहा हूं, क्विज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा, थ्री एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 75, 90 एंड 75 डिग्री, फोर्थ एंगल आपको बता रहे कि क्वाड्रिलेटरल का फोर्थ एंगल क्या होगा। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में तुरंत अपना आंसर लिख करके बताइए कि थ्री एंगल्स अगर हमारे पास गिवन है तो फोर्थ एंगल क्या होगा क्वाड्रिलेटरल का। ऑप्शन नंबर ए 90, ऑप्शन नंबर बी 95, 105, 120, क्या आंसर होगा जल्दी से बताइए, जो भी करेक्ट ऑप्शन है सिलेक्ट करो और सिलेक्ट करके सबमिट पर क्लिक करिए।
वेरी गुड बच्चों, सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करो और आंसर बताओ। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख करके बताना है आपको, ठीक है बच्चों? कमेंट बॉक्स में आपको अपना आंसर लिख करके बताते जाना है। वेरी गुड, वाओ क्या बात है, बहुत सारे बच्चे हैं जो कंटिन्यूअसली रिस्पॉन्ड भी करते हैं, लेकिन बेटा स्पैमिंग नहीं करना, एक बार आप आंसर लिखो समझ में आता है, ठीक है? चलिए क्लियर है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक बार क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ पैरेललोग्राम, इनमें से कौन सी ट्रू नहीं है एक पैरेललोग्राम के लिए? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर बाइसेक्टेड बाय द डायगोनल्स, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है बच्चों, वो आपको बताना है ए बी सी डी चार ऑप्शन में से। तुरंत सॉल्व करिए, बताइए क्या आंसर आएगा। इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है बच्चों, ए बी सी डी चार ऑप्शन है, तो जल्दी से करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करिए और सिलेक्ट करके सबमिट पर क्लिक करके मुझे बताइए क्या आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ पैरेललोग्राम, कौन सा पैरेललोग्राम के लिए बच्चों ट्रू नहीं है, ए बी सी डी जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। वेरी गुड बच्चों, बहुत ही बढ़िया, सभी अच्छे आंसर कर रहे हैं, वेरी नाइस। चलिए तो बच्चों आई होप टाइम अप होता है, बिल्कुल सभी बच्चों ने आंसर कर भी दिया है, तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं पहले क्वेश्चन पर। आपको मालूम है कि भाई जो फोर्थ एंगल होगा वो कैसे निकालोगे, 75 प्लस 75 कितना हो गया 150, 150 में आपने 90 ऐड कर दिया तो कितना बन गया आपने 40 और 50, है ना, 150 50 और 40 250। तो अगर बच्चों हम 360 में से 250 को माइनस कर देते हैं, ठीक है बच्चों, तो कितना आ जाता है 0, यहां पर आया 1 और 1, 110 डिग्री, ठीक है बच्चों। यानी कि यहां पर अगर हम देखें तो आई थिंक कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या मैंने, 75 प्लस 75 आपके पास 150, उसमें 90 ऐड कर दिया तो ये 0, 5 प्लस 4, ओके सॉरी यहां पर 240 आएगा बेटा, रुक जाना 240 आएगा, ओके क्लियर है। आई थिंक यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा 120, तो ऑप्शन नंबर बेटा डी इसका राइट आंसर, क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। वेरी गुड बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलो इसके बाद बच्चों ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर आप देखिए तो अभी मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई, प्रॉपर्टीज में तो तीन तो आपको मिल ही रहे हैं, चौथा जो नहीं मिल रहा है वो आपका इनकरेक्ट हो गया, तो कौन सा ट्रू नॉट ट्रू पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो कौन सा ट्रू नहीं, ए आपका ट्रू है, बी आपका ट्रू है, सी कहीं पर देखा क्या, प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, अभी जो प्रॉपर्टीज बताई थी उसमें तो सी की मैंने जिक्र किया ही नहीं, अगर जिक्र नहीं किया तो बिलीव करिएगा वो प्रॉपर्टी नहीं होती है। जी हाँ बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बच्चों इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो अपोजिट एंगल्स आर बाइसेक्टेड बाय द डायगोनल्स, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल डायगोनल से बाइसेक्टेड हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है बच्चों, बाकी के तीन प्रॉपर्टी परफेक्टली ट्रू है, इस वजह से ऑप्शन नंबर सी आपके पास क्या बच्चों इनकरेक्ट है, मतलब कि दिस इज नॉट ट्रू, हमें वही चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, सब कुछ समझ में आ गया, कोई भी डाउट हो तो जरूर से बताइएगा। वेरी गुड बच्चों, तो अब मूव करते हैं हम अपने कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे कि प्रॉब्लम्स किस तरीके की प्रॉपर्टीज का यूज करके हमें सॉल्व करना होता है। तो जैसे कि एक बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अगर किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स क्या बेटा, अगर उसके इक्वल है देन सो दैट इट इज अ रेक्टेंगल, आपको शो करना है कि बच्चों वो एक रेक्टेंगल होगा, तो एक सिंपल सी बात है, आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, ठीक है, एक फील लेकर के करते हैं बच्चों। सपोज करिए आपके पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है बच्चों, ए बी सी डी सपोज कर लो आपके पास एक पैरेललोग्राम, ठीक है बच्चों, ये एक पैरेललोग्राम है, हमारे पास गिवन क्या है बच्चों, ये जो डायगोनल ए सी है ये डायगोनल आपके बी डी के इक्वल है, हमारे पास गिवन क्या बच्चों, गिवन है ए बी सी डी इज अ, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये क्या बच्चों आपके पास एक पैरेललोग्राम है, कूल। चलिए उसके बाद एंड साथ ही साथ आपके पास गिवन है कि जो डायगोनल्स है बच्चों ए सी इक्वल टू बी डी, जो डायगोनल्स है बच्चों वो क्या है हमारे पास इक्वल है, डायगोनल्स क्या है बेटा आपके पास इक्वल, ध्यान से समझते चलिएगा, ओके। अब यहां पर हमें प्रूफ क्या करना है, हमें यहां पर प्रूफ करना है बच्चों, प्रूफ दैट, ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, प्रूफ दैट कि भाई ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, इसको बच्चों हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो आप मुझे लॉजिक बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख करके बताइए कि भाई रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होगी, ठीक है बच्चों, रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, आपको किन चीजों की जरूरत महसूस हो रही है,
देखो एक हमेशा माइंड में कंपैरिजन लेकर के चलना है कि भाई एक पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल है, क्या डिफरेंस होता है पैरेललोग्राम रेक्टेंगल में? देखो एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, हर एक रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम तो होता ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही है। अब आपको मालूम है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, हां जी, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, हां जी, लेकिन रेक्टेंगल की क्या स्पेशल क्वालिटी होती है? रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन एक पॉइंट और है कि रेक्टेंगल की जो इंटीरियर एंगल्स है ना वो सभी एंगल क्या होते हैं, 90-90 डिग्री के होते हैं। कितने कितने डिग्री के? 90-90 डिग्री के होते हैं। मतलब कि अगर मैं यहां पर ये प्रूफ कर दूं कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी ये चारों के चारों एंगल्स क्या है, इक्वल है, या तो ये प्रूफ कर दूं कि फोर हो, ये चारों के चारों एंगल्स हमारे इक्वल है, तो हम बोल पाएंगे कि भाई चारों एंगल्स इक्वल है इसलिए रेक्टेंगल है, या चारों एंगल इक्वल बोल दूं, या फिर ये भी बोल सकता हूं कि भाई सभी एंगल 90-90 डिग्री के, जो कि वहीं से निकल के आ जाएगा, तो भी हम बोल पाएंगे कि रेक्टेंगल है। तो दिमाग में लॉजिक आ चुका है बच्चों हम क्या करने वाले हैं। तो आइए बच्चों अब हम इसके प्रूफ पर बात करते हैं, आइए बच्चों अब हम इसके प्रूफ पर बात करेंगे। तो भाई एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन ये आते हैं तो लिखने का एक मैनर होता है, जो कि मैनर आपको यहां से सीखने को मिल सकता है कि भाई कंडीशन क्या गिवन है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, डायगोनल्स उसके इक्वल है, हमें प्रूफ क्या करना है वो भी लिख दिया, और फिर प्रूफ में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात अगर बच्चों आप यहां पर देख सकते हैं कि एक आपके पास यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करिए, ध्यान से समझिएगा, अगर आपने ट्राइंगल ले लिया यहां पर, कौन सा समझिएगा बच्चों, ट्राइंगल ले लें अगर हम यहां पर आपका ए बी डी, ए बी डी, एंड आपके पास दूसरा ट्राइंगल आप ले सकते हो यहां पर बी ए सी को, दूसरा ट्राइंगल आप ले सकते हो यहां पर बी ए सी, तो ए बी डी एंड बी ए सी दो ट्राइंगल आपने यहां पर ले लिए, ठीक है। अब अगर आप यहां पर देखिए तो आप देख सकते हैं कि जो ए बी है वो हमारे पास बी ए के इक्वल है, दोनों में ए बी इक्वल टू बी ए, ये तो आपके पास कॉमन साइड हो गई, ये क्या हो गई बच्चों, ये आपके पास कॉमन साइड हो गई, ठीक है। अब दूसरा अगर हम यहां पर देखें, ए बी इक्वल टू बी ए हो गया, नेक्स्ट में अगर आप यहां पर देखो तो आप देख सकते हो यहां पर बी डी, ए डी की अगर बात करें तो ए डी बी सी के इक्वल है, ए डी इक्वल टू बी सी, ठीक है बच्चों, ए डी इक्वल टू आपके पास बी सी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम लिख सकते हैं बच्चों, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, यहां पर ये सिंबल जो मैं यूज करता हूं बच्चों ये पैरेललोग्राम का मतलब कि ये शॉर्ट फॉर्म पर लिखने का तरीका कि दो लाइंस पैरेलल ड्रॉ करी और फिर ग्राम लिख, जीएम लिख दिया, ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म पर लिखने का तरीका हो गया मेरा, ठीक है, आप भी फॉलो कर सकते हैं चाहे तो। उसके बाद अगर मैं यहां पर देखूं तो आपके पास मालूम है कि जो बी डी है बच्चों, जो बी डी है वो आपके पास ए सी के इक्वल है, बी डी क्या है, ए सी के इक्वल, तो इस तरीके से बच्चों अगर आप यहां पर देखिए तो क्या निकल के आ गया, बी डी इक्वल टू ए सी, ये हमारे पास गिवन है क्योंकि डायगोनल्स क्या है बच्चों, हमारे पास इक्वल है, तो BD इक्वल टू AC आ गया। तो इस तरीके से तीनों साइड्स अगर आप देखें बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल क्या होगा बेटा, SSS कॉन्ग्रुएंस रूल से जो आपका ट्राइंगल हुआ ABD बच्चों वो आपका कॉन्ग्रुएंस होगा, किसके बच्चों, ट्राइंगल BAC के कॉन्ग्रुएंट, ABD आपका BAC के कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, और जैसे ही ABD BAC के कॉन्ग्रुएंस हुआ बच्चों तो यहां से आप क्या बोल पाओगे, जल्दी से बताइए, ABD BAC के कॉन्ग्रुएंस हुआ तो यहां से क्या बोल पाओगे बच्चों कि सिंपल बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल से बच्चों आप ये बोल पाओगे कि जो एंगल हमारे पास ABD मतलब कि जो हम बोल सकते हैं जो एंगल A होगा बच्चों, पूरा ये वाला जो पूरा का पूरा एंगल ए है वो इक्वल टू होगा हमारे पास किसके बच्चों, एंगल अगर हम बात करें ठीक है तो एंगल बी ए सी के तो ए बी डी हमारे पास बना ए बी डी, ठीक है, और फिर ये बना हमारे पास बी ए सी के ये पूरा का पूरा, तो एंगल ए बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए ये वाला जो एंगल बना, ठीक है बच्चों समझ रहे हो, यानी कि अगर मैं बात करूं एंगल आपके पास यहां पर बनेगा अगर हम देखें डी ए बी, तो यहां पर आप बोल सकते हो सी बी ए,
तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो एंगल बना वो इस एंगल के इक्वल आ जाएगा, एंगल ए आपका एंगल बी के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, एंगल ए आपका एंगल बी के इक्वल। अब आपको एक बेसिक चीज समझनी है बच्चों, ध्यान से समझिएगा कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है बच्चों, ये दोनों साइड यानी कि जो एडी साइड है बच्चों, ये क्या है आपके बीसी के पैरेलल है, और अगर एडी इसको बाइसेक्ट करती है तो ये जो दो एंगल्स होंगे ये कैसे होंगे, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो आपको मालूम है कि भाई अगर एडी और बीसी दो पैरेलल साइड्स हैं तो एंगल ए और एंगल बी दोनों किस टाइप के एंगल होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो यहां से हम बोल सकते हैं बच्चों कि एंगल ए प्लस एंगल बी क्या होगा आपके पास, 180 डिग्री के इक्वल। और अगर ये एंगल 180 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, एंगल ए अगर एंगल बी के बराबर है तो 2 टाइम्स एंगल ए इक्वल टू 180 इंप्लाइज दैट एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। और एंगल ए 90 है इसका मतलब हुआ एंगल बी भी 90 होगा, एंगल बी 90 है ए का अपोजिट एंगल एंगल सी भी 90 होगा बच्चों, और बी का अपोजिट एंगल एंगल डी भी 90 होगा। तो चारों के चारों इंटीरियर एंगल बच्चों क्या गए हमारे पास, 90 डिग्री के निकल करके आ गए, ठीक है बच्चों, सभी इंटीरियर एंगल्स हमको 90 डिग्री के निकल करके आ गए। तो इस तरीके से बच्चों हम ये प्रूफ कर पा रहे हैं कि जो आपके पास ये जो पैरेललोग्राम है ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। ये पैरेललोग्राम बच्चों क्या है आपके पास, एक रेक्टेंगल हुआ, ये यहां पर हमने प्रूफ कर दिया। क्लियर है, जल्दी से बताइए बच्चों, पैरेललोग्राम आपके पास रेक्टेंगल हुआ, यहां से आपने प्रूफ कर दिया। क्लियर है, समझ में आ गया, आ गया बच्चों। तो इस तरीके से भी बोल सकते हो कि अगर चारों इंटीरियर एंगल्स आपने क्या बता दिए, सभी इंटीरियर एंगल्स आपने बता दिए कि भाई वो सब 90 डिग्री के हैं, तो उस पैरेललोग्राम को हम क्या बोल पाएंगे, रेक्टेंगल बोल पाएंगे। तो यही आपने देख लिया, इंपॉर्टेंट यहां पर ये है एंगल ए आपका एंगल बी के इक्वल प्रूफ करना, जिसके लिए हमने ट्राइंगल आपका ए बी डी लिया और उसके बाद बी ए सी लिया, ठीक है बच्चों। तो ये पूरा का पूरा आपके पास एंगल, ये पूरा का पूरा एंगल, ये दोनों एंगल बाई सी पी सी टी से इक्वल इक्विवेलेंट है, करस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कांग्रेस ट्राइंगल से, और ये इक्वल है, इनका सम 180 है, तो अपने आप ए और बी 90 सी और डी भी 90। क्लियर है, चलिए तो ये पहला क्वेश्चन बच्चों आपका कंप्लीट होता है, जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम का, जिसमें भर भर के आपका यूज हुआ। क्लियर, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है बच्चों। सो दैट डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आ जाइए बच्चों, सबसे पहले अगर हम यहां पर बात करें, ए बी सी डी मान लो आपके पास एक रोम्बस है, क्या बच्चों, ए बी सी डी मान लो आपके पास एक रोम्बस है, ठीक है, ए बी सी डी आपके पास एक रोम्बस है, ठीक है बच्चों। रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है, समझ में आता है कि रोम्बस की प्रॉपर्टी है बच्चों कि बेसिकली यहां पर प्रूफ करवा रहा है, तो हम ये प्रॉपर्टी लेके चल रहे हैं कि भाई गिवन हमारे पास कंडीशन क्या है कि भाई ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ठीक है, रोम्बस हमें ये प्रूफ करना है बच्चों। रोम्बस में आपको मालूम है कि भाई ऑल दी फोर साइड्स आर इक्वल, मतलब कि हमें मालूम है इसका इंप्लाई दैट ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, ये चारों की चारों साइड्स इसके क्या होंगे, इक्वल होंगे। और बाकी बेसिकली आपको मालूम है कि एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम भी है, ए बी सी डी आपके पास पैरेललोग्राम भी है। बस हमें यहां पर एक चीज ये बतानी है बच्चों कि ये जो है ना, ये दोनों, ये जो एंगल्स है ना बच्चों, ये एंगल्स आपके इक्वल है, ये बता दो कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, सिमिलरली ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो डेफिनेटली ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो ये दोनों का सम 90 डिग्री, ये बेसिकली हमें यहां पर एक्सप्लेन करना है, ठीक है बच्चों। और हमें ये प्रूफ करना है बच्चों, प्रूफ दैट कि बेसिकली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो जो डायगोनल एसी है आपके पास वो परपेंडिकुलर होगा बीडी के। तो बेसिकली सिर्फ इतना ही हम प्रूफ करेंगे बच्चों कि यहां पर ये जो आपका ये एंगल इसके इक्वल है, इसको प्रूफ कर दो, या फिर ये दिखा दो कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, कोई भी एंगल आप इक्वल दिखा दो, आपका काम बन जाएगा। तो बेसिकली बच्चों अगर आप यहां पर देखें तो सबसे पहली बात क्या क्या चीजें निकल करके आ रही है, ये सपोज करो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ है, ध्यान समझिएगा बच्चों, सपोज करिए ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ओ, क्लियर, ओ हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है।
अगर आप एक चीज देखें तो यहां पर आप एक चीज देख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा कि एक ट्राइंगल आपने ले लिया, प्रूफ देखते हैं बच्चों, प्रूफ समझिएगा, आपने ट्राइंगल ले लिया यहां पर AOD, ट्राइंगल ले लिया आपने AOD एंड दूसरा ट्राइंगल आपने ले लिया COD, दूसरा ट्राइंगल आपने ले लिया COD, AOD और COD दो ट्राइंगल ले पा रहे हो, AOD और COD इनको मैं हाईलाइट भी कर देता हूं तो आई थिंक आप पकड़ भी पाएंगे, AOD आपके पास ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है बच्चों, चलिए, और COD जो दूसरा ट्राइंगल है वो इससे हाईलाइट कर देता हूं, ये आपके पास COD है, क्लियर है बच्चों, ये दूसरा ट्राइंगल आपके पास COD है, चलिए, तो AOD और COD दो ट्राइंगल हमने लिए। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर आप देख सकते हो कि AD इक्वल टू पहली बात CD होगा, AD इक्वल टू आपके पास CD, आपको क्यों हो, क्योंकि मालूम है कि रोम्बस की ऑल दी फोर साइड्स आर पैरेलल, तो AD आपके पास CD के इक्वल होगा, ठीक है बच्चों। दूसरा आपको मालूम है कि जो रोम्बस के जो पैरेललोग्राम भी है ना, तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स तो बाइसेक्ट करते हैं बच्चों, आपको मालूम है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स तो बाइसेक्ट करते हैं, तो जो AO होगा वो OC के इक्वल हो, CO के इक्वल होगा, AO इक्वल टू आपके पास CO होगा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। उसके बाद OD इक्वल टू OD इज द कॉमन साइड, OD इक्वल टू OD, तो अगेन बच्चों आप देख सकते हैं बाई SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, हम क्या बोलेंगे बच्चों कि जो ट्राइंगल आपके पास AOD है वो हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बच्चों COD ट्राइंगल के, AOD ट्राइंगल बच्चों COD के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और जैसे ही यहां पर समझिएगा AD इक्वल टू CD है ना, साइड्स ऑफ रोम्बस यहां पर लिख लेना, साइड्स ऑफ रोम्बस, ठीक है बच्चों। दूसरा AO इक्वल टू CO, अपोजिट साइड बाइसेक्ट ईच अदर, अपोजिट साइड बाइसेक्ट, सॉरी हमने यहां पर गलत लिख दिया, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, क्या लिखेंगे बेटा, डायगोनल्स बाइसेक्ट, डायगोनल्स क्या करते हैं बच्चों, बाइसेक्ट करते हैं। उसके बाद OD इक्वल टू OD, ये कॉमन साइड है, दिस इज द कॉमन साइड, चलिए ये तीन से हो गया। अब यहां पर अगर ये AOD COD के कॉन्ग्रुएंट है तो बाई CPCT आप क्या बोल पाओगे कि जो एंगल AOD होगा, जो एंगल AOD होगा वो एंगल COD के इक्वल आएगा, ठीक है, AOD COD के इक्वल आ जाएगा। और वी नो दैट कि भाई AOD और COD एक ही लाइन पर बनने वाले एंगल्स हैं, तो एंगल AOD प्लस में COD भी आपको मालूम है कि लीनियर पेयर एंगल्स हैं, तो इनका सम ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों का सम 180, और दोनों अगर इक्वल हैं तो दिस विल इंप्लाई दैट एंगल AOD इक्वल टू एंगल COD बोथ इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एंगल्स अगर इक्वल है तो इन दोनों का सम 180, तो एंगल AOD COD दोनों 90, तो ये भी 90 आ गया बच्चों और ये भी 90, तो सिंपली आप देख पा रहे हो कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो OD है ना बच्चों, यहां पर क्या देख पाओगे, दिस विल इंप्लाइज दैट बच्चों कि जो आपका OD है वो परपेंडिकुलर है आपके AC के, ठीक है बच्चों। तो सिमिलरली आप ये भी बोल सकते हो बच्चों, सिमिलरली आप ये भी बोल सकते हो कि जो OB है वो आपका परपेंडिकुलर है AC के, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली हम यहां पर दोनों को कंबाइन करके बोल सकते हैं कि BD जो होगा वो आपका AC के परपेंडिकुलर होगा, BC मस्ट बी परपेंडिकुलर टू AC, BD क्या होगा बच्चों, BD आपका AC के परपेंडिकुलर होगा, क्लियर है, BD क्या हो जाएगा बच्चों, BD आपका AC के परपेंडिकुलर होगा, नोट कर लीजिएगा, BD मस्ट बी परपेंडिकुलर टू AC, BD आपका AC के परपेंडिकुलर होगा, क्लियर है। चलिए ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया बच्चों, जिसमें हमने वापस से दो ट्राइंगल लिए, उनको कॉन्ग्रुएंस दिखाया, जिसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम का यूज भी किया, और उसके बाद ये दिखाया कि भाई ये जो रोम्बस होता है ना, इसके जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, जो कि रोम्बस की प्रॉपर्टी में आपको मालूम है, लेकिन अगर प्रूफ करवाएगा तो आप इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं इसको, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बच्चों मूव करते हैं, सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, देन इट इज अ रोम्बस, एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, समझिएगा ध्यान से। अगर हम ये बोले कि सपोज करो आपके पास एक रोम एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, ठीक है बच्चों, एबीसीडी सपोज करो एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स, अगर डायगोनल्स की हम बात करें, ईच अदर एट द राइट एंगल,
एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। कहां पर बच्चों? राइट एंगल पर, ठीक है, एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। देन इट इज रोम्बस, ये आपका एक रोम्बस होगा। सबसे पहली बात, अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, है ना, हमको एक चीज मालूम पड़ गई बच्चों कि यहां पर सिंस डायगोनल्स, ध्यान समझिएगा, सिंस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दिस विल इंप्लाइज दैट कि भाई आपको क्वाड्रिलेटरल से मालूम है ना कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? पैरेललोग्राम। तो पहले तो आप ये बोल पाओगे कि भाई अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर तो हम बोल पाएंगे कि भाई ए बी सी डी तो पहले आपका एक पैरेललोग्राम है, इज अ पैरेललोग्राम। क्या होगा बच्चों? ये आपका एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है बच्चों, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया, क्योंकि रोम्बस होने के लिए जरूरी तो है कि वो एक पैरेललोग्राम हो। तो भाई डायगोनल्स अगर बाइसेक्ट करते हैं तो रोम्बस क्या होगा? आपका एक पैरेललोग्राम होगा। चलिए अब इसके बाद अगर हम यहां पर बात करें, ध्यान से समझिएगा बच्चों कि दो ट्राइंगल यहां पर ले लो। अगर आप ध्यान से, एक ट्राइंगल बच्चों आपने ले लिया एओडी, एक ट्राइंगल ले लिया आपने एओडी और दूसरा ट्राइंगल आपने ले लिया सीओडी एंड दूसरा ट्राइंगल आपने ले लिया बच्चों यहां पर सीओडी। ध्यान से समझिएगा, हमको दे रहा है पर बाइसेक्ट राइट एंगल्स, ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। आप देख सकते हैं यहां पर कि जो एंगल हमारे पास एओडी है वो एंगल सीओडी के इक्वल है, दोनों ही 90 डिग्री, मतलब कि दोनों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। आपको मालूम है बच्चों कि एओ इक्वल टू ओसी होगा, एओ इक्वल टू बच्चों क्या होगा यहां पर? ओसी। तो बेसिकली अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो आई थिंक इधर पर हम इसका यूज तो कर नहीं पाएंगे, चलो हो जाएगा, एओ इक्वल टू ओसी हो गया बच्चों, एंगल एओडी, एंगल एओडी इक्वल टू, ऑलरेडी लिख चुका हूं, ठीक है बेटा ध्यान समझिएगा, एंगल एओडी इक्वल टू सीओडी 90 डिग्री, साथ ही साथ ओडी इक्वल टू ओडी, ओडी इक्वल टू ओडी, यानी कि अगर आप देखें तो बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल क्या हो जाएगा बच्चों? एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल से हम बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल आपके पास एओडी है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल सीओडी के, है ना? क्यों बच्चों? क्योंकि साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगर ये हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ? एओडी अगर सीओडी के कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई बाई सीपी सीटी हम क्या बोल पाएंगे? बाई सीपी सीटी बच्चों हम ये बोल पाएंगे कि जो साइड हमारे पास एडी है, जो एडी है बच्चों वो साइड सीडी के बराबर होगी। अब आप समझिएगा, एडी सीडी के बराबर हो गई, एडी इक्वल्स टू सीडी हो गया। अब आप समझिए, अगर एडी इक्वल्स टू सीडी है और एडी के अपोजिट साइड बीसी है तो ये बीसी के भी इक्वल आएगा और सीडी के अपोजिट साइड एबी है तो ये एबी के भी इक्वल आएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। तो चारों के चारों साइड से आपने इक्वल दिखा दी, डायगोनल्स ऑलरेडी एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, दिस विल इंप्लाइज दैट कि भाई जो एबीसीडी है इज अ रोम्बस। ये क्या होगा बेटा? आपका रोम्बस होगा। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। क्लियर है? जल्दी से बताइए, ये क्वेश्चन भी बच्चों आपका यहां पर कंप्लीट होता है। समझ में आ गया? चलो वेरी गुड बच्चों, तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है। चलिए भाई, और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूं बच्चों, ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, तो अच्छे से इसको प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो आज के लेक्चर को बच्चों हम यहीं पर फिनिश करेंगे और इस पर बेस्ड बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और साथ ही साथ मिड पॉइंट थ्योरम भी बच्चों नेक्स्ट क्लास में आपको बताने वाला हूं। तो बच्चों मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।